पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और एक बार फिर से आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी संबोधित कर रहे हैं। अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में इस महाविद्यालय को वह एक नया प्रतिमान स्थापित करना पड़ेगा। नया विद्यालय है, नया महाविद्यालय है, नए परिवेश है, शिक्षा का माहौल जिस प्रकार से यहाँ की टीम बनाएगी, जिस प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पर प्रारंभ होगी, रचनात्मक गतिविधियां प्रारंभ होगी, यह आने वाले समय के लिए न्यू बनेगी शिक्षा के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए। और इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो प्राचार्य हैं, यहाँ पर जो आचार्यगण तैनात किए गए हैं उनके ऊपर, और साथ साथ ये बड़ी जिम्मेदारी होगी यहाँ पर पहले वर्ष में प्रवेश होने वाले सभी छात्र छात्राओं के। महाविद्यालय खुलते हैं प्रदेश में, हम लोग लगभग 77 महाविद्यालय खोल रहे हैं। हर एक महाविद्यालय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ नहीं जा पाते, लेकिन यहाँ पर दोनों लोग उद्घाटन कार्यक्रम में नवरात्रि के दौरान आए हैं। आपके जीवन के अनुकूल क्षण बनने जा रहे हैं, आपके प्रवेश के साथ ही उद्घाटन कार्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम का प्रारंभ होना, और पाठ्यक्रम का प्रारंभ होने के साथ साथ परंपरागत पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही हम अन्य तमाम उन रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु महाविद्यालय को बना सके, जो भारत और भारतीयता के लिए और आने वाले समय में एक छात्र के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का आधार भी बन सके। और हमें उस दिशा में नए दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, लाइब्रेरी पर हर छात्र जरूर अटेंड करे, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है, अगर इन गतिविधियों का केंद्र बिंदु आप अपने आप को बना सकेंगे अति उत्तम होगा, आपको आगे अलग अलग प्रतिस्पर्धा में यह सब उपयोगी साबित होगा, और इस दिशा में हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा, लाइब्रेरी को डिजिटल बना देना, और मैं चाहूंगा कि कोरोना जैसी महामारी को वर्तमान में हम लोगों ने नियंत्रित किया, लेकिन कल ये पलट करके फिर वापस आ जाए कोई भरोसा नहीं, सतर्कता सावधानी आवश्यक है। ये स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन क्लास के लिए राज्य सरकार ने, विभाग ने अच्छा काम किया, लेकिन हमें उस दिशा में ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि कब ऑनलाइन क्लास को फिर चलाने की आवश्यकता पड़ जाए, उस दिशा में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। आज गोरखपुर शिक्षा और स्वास्थ्य का एक हब बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से 2016 में गोरखपुर में एम्स मिला, एम्स का कार्य पूरा हो चुका है, अगले एक महीने के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से गोरखपुर के एम्स का उद्घाटन होगा, और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों को गोरखपुर में ही प्राप्त होगी। फर्टिलाइजर का कारखाना 1990 में बंद हो गया, लेकिन आज फर्टिलाइजर का कारखाना आप देख रहे होंगे बड़ी सी चिमनी बन चुकी है, और फर्टिलाइजर का कारखाना अगले एक महीने के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसका भी लोकार्पण होगा, भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का होगा। किसानों को समय पे खाद मिलेगी, और यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा फर्टिलाइजर कारखाने में प्राप्त होगी। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय भी बन रहा है, गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी बन गया है, गोरखपुर में सैनिक स्कूल भी बन रहा है, और गोरखपुर में कैंपियरगंज में एक आईटीआई का निर्माण हो रहा है, कैंपियरगंज में दो इंटर कॉलेजेस का निर्माण पूरा हो चुका है, सहजनवा में एक पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है, पिपराइच में चीनी मिल का निर्माण होकर के वहां पे चीनी उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। यानी जो विकास अब तक बंद था, उस विकास का रास्ता खोला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और भाइयों बहनों, जब विकास आगे बढ़ता है तो यह प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लेकर के आता है। आज ये चौड़ी सड़कें हैं, बिजली है, जो राशन मिल रहा है, सरकारें पहले भी थी
तब सड़कें अच्छी नहीं थी, सरकारें पहले भी थी तब बिजली नहीं आती थी, सरकारें पहले भी थी तब जंगल कोडिया में महाविद्यालय आरटीआई और इंटर कॉलेजेस नहीं बन पाए थे, सरकारें पहले भी थी तब गरीबों को राशन नहीं मिल पाता था, सरकारें पहले भी थी तब सुरक्षा की गारंटी न पहल बेटियों को थी और न व्यापारियों को थी, न किसी संभ्रांत परिवार को थी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने 2014 के बाद बदलते हुए भारत को देखा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब को मिलना, जिसके पास मकान नहीं उसको आवास की सुविधा, जिसके पास शौचालय नहीं उसके घर में शौचालय बनाने की व्यवस्था, जिसके पास विद्युत का कनेक्शन नहीं, मुझे याद है बढ़नी गांव में बिजली नहीं थी और बढ़नी गांव में बिजली पहुंचाने के लिए मुझे 1998 में 10 लाख रुपए देने पड़े थे। 1 करोड़ की सांसद निधि थी, उसमें 10 लाख रुपए मैंने एक गांव के लिए दिए और आज बिना मांगे हर गांव में बिजली का कार्य हो रहा है, हर गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। पहले धान का क्रय नहीं होता था, यहाँ पे जंगल कोड़िया में प्रधान जी है रामचंद्र सिंह जी, जिनकी खेती बाड़ी है और ये खेती बाड़ी के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको अपना धान अपना गेहूं अपना केला कुछ भी बेचना होता था, पैसा नहीं मिलता था, दाम नहीं मिलता था और आज क्रय केंद्र जगह जगह लगते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी किसानों की उपज को खरीदने का कार्य भी सरकार कर रही है और पैसा डीबीटी के माध्यम से खाते में किसान के खाते में देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। आज सुरक्षा सबको पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, यानी पर्व और त्योहारों में आप देखते होंगे, पहले पर्व और त्योहार आते थे कर्फ्यू लग जाता था और आज पर्व और त्योहार आते हैं कोरोना भी आपके यहाँ से भाग जाता है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से आप सब मनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। नेक नियति से जब कार्य होता है तो वह परिणाम भी देता है और ईश्वर भी उसमें मदद करता है और आज उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। कोरोना था जब पर्व त्योहार देखे, कोरोना चरम पर था, कोरोना का उत्तर प्रदेश वासियों ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नियंत्रित किया, पर्व और त्योहार आए, आज हम लोग कोरोना को पूरी तरह रोकने में सफल हो गए हैं और पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हम मनाने का भी कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जब विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है, यानी कोई कल्पना भी नहीं करता 2017 के पहले लोग सोचते थे उत्तर प्रदेश भी विकास करेगा, क्या उत्तर प्रदेश का भी योगदान होगा, देश की जितनी योजनाएं थी सब में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हो रहता था और आज देश की 44 ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है, नंबर एक पर। यह है नया उत्तर प्रदेश, दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, सुरक्षा का सबसे अच्छा वातावरण आज उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश आज एक नए उभरते हुए उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये उभरता हुआ उत्तर प्रदेश सभी के सहयोग से हम सबको उत्तर प्रदेश वासियों को मिलकर के अपनी ताकत का एहसास कराना है, ये हमें उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। मुझे कार्यक्रम में आने में देर लगी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई योजना दी है, वह नई योजना है गति शक्ति की, गति शक्ति की, एक नए युग में कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दे सके और इसके माध्यम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के कई एक्सप्रेस हाईवे कहीं मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना कहीं पर हाईवे बड़े बड़े हाईवे का निर्माण करके कहीं पे एयरपोर्ट का निर्माण करके अभी 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी का आगमन कुशीनगर में हो रहा है, एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कुशीनगर में प्राप्त होगा, मेडिकल के क्षेत्र में हर जनपद में एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोग दे रहे हैं, पहले मेडिकल कॉलेज केवल गोरखपुर में था,
महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, बदलापुर, गोंडा, पैराई, श्रावस्ती, कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं था। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज नहीं था, सुल्तानपुर में नहीं था, प्रतापगढ़ में नहीं था, जौनपुर में नहीं था, गाजीपुर में नहीं था, चंदौली में नहीं था। और आज भाइयों बहनों, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाइए, आज देवरिया में भी एक मेडिकल कॉलेज है, कुशीनगर में भी हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है, प्रधानमंत्री से 20 तारीख को उसका शिलान्यास कराने जा रहे हैं, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज हम लोग बना करके पिछले सत्र में प्रारंभ कर चुके हैं, बलरामपुर में एक मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं, गोंडा में भी नया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं, बहराइच में विगत सत्र में हम मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर चुके हैं, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज पिछले सत्र में प्रारंभ कर दिए हैं, सुल्तानपुर में भी एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दे दिया है, प्रतापगढ़ में भी एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दे दिया है, जौनपुर में भी मेडिकल कॉलेज दे दिया है, चंदौली में मेडिकल कॉलेज मैं भी शिलान्यास किया हूँ एक सप्ताह पहले जाकर के चंदौली में, और गाजीपुर में भी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रवेश, बच्चों का प्रवेश करके एडमिशन करके वहां भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सोचिए, पहले एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, कितने मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बना दिए। यानी सोच ईमानदार होती है तो काम ऐसे ही दमदार होता है, दमदार काम जो दिखाई दे, दमदार कार्य वह नहीं जो रवि किशन जी जोर से बोल करके बोल रहे थे, और मैंने दमदार अभिनय किया है भोजपुरी फिल्मों में, वो कोई संदेह नहीं। रवि किशन जी की फिल्मों को देखते हैं, फ्री में दिखाते हैं कि पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं या फ्री में? फ्री में। लेकिन वे तो फ्री में बोल रहे थे मंच पे, उन्होंने जब मंच पे बोला तो उन्होंने यही कहा, बोलने के बाद जब बैठे तो उन्होंने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को कहा कि जो बोल रहा हूं इसका बिल आपके पास भेज दूंगा। लेकिन वे अच्छे कलाकार हैं, भोजपुरी के कलाकार हैं, और इसीलिए कलाकार रचनात्मक होता है। उस रचनात्मकता का लाभ आप लोगों को प्राप्त हो सके। और उसका लाभ आपको प्राप्त हो इससे हम लोगों ने यहां पर रवि किशन जी को सांसद के रूप में प्रत्याशी बनाया, आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, वे सांसद बने, आज आपकी सेवा कर रहे हैं, और इसीलिए मंच से फ्री में कह भी रहे हैं कि सोच ईमानदार तो काम, इसीलिए कैबिनेट इतना बोलने में उनका लाखों का बिल बन गया होता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको शारदीय नवरात्रि पर, यह महाविद्यालय आपको प्राप्त हुआ है, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और श्रीमती नीलमा कटियार जी स्वयं यहाँ पर नवरात्रि के अपने अनुष्ठान को छोड़कर के आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं इस अवसर पर उनको धन्यवाद देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ, शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ, कि आप सबके जीवन में इसी प्रकार की खुशहाली आए, आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे, मन से कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, सोच ईमानदार हो तो काम अच्छा होता है, खेलकूद में बालिकाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, उनको और प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है, भाजपा ने विकास का रास्ता खोला है, ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, ये कहना है मुख्यमंत्री का।